ट्रिप पे जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और करूँगा खूब सारी मस्ती। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है। तो गाइस रेलवे से उतरने के बाद अब हमने ले लिए बस सालासर पहुँचने के लिए। तो गाइस फाइनली दर्शन करके मैं बाहर जा रहा हूँ और अब हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फैमिली बी एक्स बोले तो बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को आज की राम राम और बाकी सबका स्वागत है हमारे इस व्लॉग में। तो गाइस आज मैं ये व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ रात को। जी हाँ, लगभग रात के 8:15 हो रहे हैं, ये देखिए। और इस व्लॉग को मैं अब शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ। जैसा कि आप थंबनेल को पढ़ चुके हैं, एक सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ। ट्रिप पे जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और करूँगा खूब सारी मस्ती। ट्रेन में हम लोग जाएंगे, रात को 11 बजे की हमारी ट्रेन है। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगा तब तक तो हम वापस भी आ चुके होंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट आपको सबसे मिलवा दूँ जल्दी से। संजना, हाय गाइस, ये मेरे लिए बना रही है पराठे। गाइस रात को मैं वहाँ पराठे खाऊंगा, खाना पसंद करूंगा, तो 2-3 पराठे नमक अजवाइन के बनवा के ले जा रहा हूँ ताकि मेरे लिए आसान दे रहे। 4 पराठे बना देना एक्चुअल में, ना क्या है कि मॉर्निंग में भी काम आ जाए तो क्या पता। और लीजिए मिलिए। हाय गाइस, मैं पराठे एंड क्रेजी फैमिली एक्स। सो गाइस अभी मैं जो हूं, मतलब मैं क्या मैं क्या अरे आ तो ले यार, मैं उठा थोड़ी हूं। और मिलिए इससे, हाय कर दे, फ्लाइंग किच्ची भी कर दे, बाय बनाने बैठी है। और मिलिए टाइशन से, ये मेरे को 8 बजे घर आता देख सोच रहा है कि घुमाने ले जाएगी पापा है, पर अभी ले जाऊंगा इसको क्योंकि कल सुबह तो संजना लेके जाएगी और मैं कल रात तक आ भी जाऊंगा संडे रात तक। यस, और मिलिए इटुकले चिटुकले से। और चलिए गाइस अब मैं फटाफट अपनी प्लान तैयारी कर लूं क्योंकि मैंने अभी तक अपना कुछ भी तैयार नहीं किया। ये देखिए, ये मेरे कपड़े कुपड़े सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने अभी तक अपना कुछ भी तैयार नहीं किया। कैमरे शैमरे सब रेडी हैं, बस चलते हैं फटाफट से। पहले तैयारी कर लूं अपनी, उसके बाद कुछ खा पी के या कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, लेकर जाऊंगा। चलिए 9:30 बजे मेरे दोस्त मिलेंगे। अब मैं आप लोगों से शायद तभी मिलूंगा या बीच में भी सामान पैकिंग करता हुआ दिखाता हूं आप लोगों को एक टाइम लैप्स। मेरे बच्चे तेरी कंजक, ने मेरे बच्चे तेरी कंजक, मेरे पास भाई को नया वाला नोट दे दे, ने मेरे से चेंज कर ले, ये मेरे को दे दे, इसने सारे पैसे कह दिए। परी और मायरा की भी कंजक है, दोनों बच्चों की भी है, ठीक है। तो चलो अब ठीक है, पापा चले, किसी कौन कौन करेगा पापा को, पल्लू टाइम जल्दी करो, जल्दी कह रहा मेरे को भी कंजक चाहिए। चल जल्दी से किसी कर दे पापा को जाने की। तू भी करेगा, आजा तू भी कर दे भाई, तू भी कर दे। चल 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 संजना, चलो ध्यान रखना, तो इस फ्रेम में आ जा। चल ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने फाइनली ऑटो रिक्शा कर लिया है और हम ऑटो से जा रहे हैं क्योंकि हम लेट हो गए थे। और क्योंकि आपको पता ही है थोड़ा लेट तो होना स्वाभाविक है इतनी सारी फॉर्मेलिटीज के बीच में। आपको मिलवाता हूँ दोनों से थोड़ी देर में, ना तो यहाँ लाइट है ना कुछ है। यार ये है रजत, शर्मा रहा है जो, अरे वाह देखो ऑटो वाले भैया, देखो हमारे क्या काम के बंदे निकले। और ये है अनिल जी, हाय, हेलो गाइस। और ये हूँ मैं एज यूजुअल, ये हमारे भैया जी हैं बड़े मस्त। लो जी थैंक यू सर। तो फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, पीछे की आवाज़ें आपको बता रही होंगी कैसी आवाज़ें हैं। और अब गाड़ी
गाड़ी हमारी अभी आई नहीं, आने वाली है। वापस आएंगे हम, वापस पहले आ जा तू। गया अभी तू आई नहीं, अभी गए। गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है। फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी गाड़ी चलने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। चलिए फटाफट से अपनी सीट स्वीट्स लें और रेस्ट करें। भाई साहब ट्रेन में बैठ के खाने का मज़ा ही आना, ये एक सुखद एहसास है जो मज़ा ही आना। भाई खा पी लिया मज़े से, अब ऊपर जा रहा हूँ सीट पे अपनी। तो गाइस अब तो मैं सोने जा रहे हैं और आशा करते हैं आप सुबह जल्दी उठेंगे, मॉर्निंग में आपको 5 बजे उठाएंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट। करीब सुबह के 5:15 हो चुके हैं और हम लोग अब डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हैं। और बढ़िया मज़ेदार दिन थी, लेकिन ठंड बड़ी थी यार, मज़ा आ गया ठंड में। दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है जो यहाँ पर है, उम्मीद से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा। Now we have reached our destination, Sujan Garh. मेरा बैग मत छोड़ देना तुम्हारे सुजानगढ़ के चक्कर में। तो गाइस रेलवे से उतरने के बाद अब हमने ले लिया बस सालासर पहुंचने के लिए, स्लीपर बस। स्लीपर बस, ये सो के जा रहा है, मैं बैठ के जा रहा हूँ। अनिल भाई भी बैठ के जा रहे हैं, यही हमारा नवाब का बच्चा है। और भाई बैठ के जाने में ही जाएंगे, भाई पूरी रात तो सोते हुए आए, कमर ठंड हो रही है यहाँ पर। बाहर तो नहीं है ठंड, लेकिन ट्रेन में ऐसे ठंड लग रही थी जैसे मतलब कि शिमला कुल्लू मनाली के अंदर बैठे हुए हम लोग। तो गाइस फाइनली हम लोग सालासर जी पहुंच गए हैं बालाजी, और अब मंदिर चलते हैं। पीछे तो मेरे शिव मंदिर है, लेकिन बालाजी मंदिर अभी आगे है, थोड़ा पैदल चलेंगे। सालासर के मार्केट में है, दुकानें सारी बंद है इस टाइम। बोलो 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 बोलो। अच्छा दुकानें सारी बंद है, अभी खुली ही है, संडे का दिन है। ये भाई अपने पहले दुकान खोल रहे हैं, और देखिए दुकान खुलते हुए देखो, ये दुकान खुली है। अभी हम पहले पैदल पैदल मंदिर जा रहे हैं। बीच में हमें बहुत सारे श्रद्धालु दिख रहे हैं, इनके तो श्रद्धालु। तेरा वो लिया दुत्ते गया बता। तो गाइस अभी मैं दूध पीकर आया हूँ, और दूध पीकर के होटल रूम में आया हूँ ताकि फ्रेश हो सकूँ। भाई रेल के अंदर तो ऐसे झटके थे, मज़ेदार। और फिर रेलवे का तो आपको पता ही है कितने अच्छे टॉयलेट्स होते हैं, तो बहुत मज़ेदार टॉयलेट्स थे। इस वजह से जो है तो वहाँ फ्रेश तो हो नहीं पाया, मैंने कहा भाई पहले दूध पिया जाए, होटल ले लिया है कमरा। तो गाइस फाइनली मैं रूम में आ चुका हूँ, और सबसे पहला तो भाई तीर्थ स्थल जाना है मुझे। उसके बाद आपको सबको मिलवाता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ नहा धोकर के, और अब हम जा रहे हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। लेकिन उससे पहले ऑटो पे हम लोगों की शायद मुलाकात ढंग से नहीं हो पाई थी, तो एक बार सबसे मिल लीजिए। हाँ भैया जी, हेलो कर दीजिए दोनों। हाय, ये अनिल है, ये जो मुंह छुपा कर बैठा है, ये रजत है, ये मुंह दिखाना नहीं चाहता था क्योंकि इसकी मुंह दिखाई की रसम होनी अभी बाकी है। मुंह दिखाई की रसम होनी बाकी है, मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। एक्चुअली मैं बताता हूँ ये मुंह दिखाने के काबिल क्यों नहीं है, क्योंकि ये सबको कह रहा है मैं नहा चुका हूँ, ये सारा नहाया नहीं है। सबसे पहले मैं नहाया हूँ और ठंडे पानी से नहाया हूँ। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला हमारे
बीच में एक ही प्राणी है। हाँ, ये नहाता नहीं धोता। कौन झूठ बोल रहा है ये बताइए। नहीं, अब ये बताओ इसका चेकअप कैसे कराया जाए? आप बताओ, कोई है जवाब चेकअप कराया जा सकता है? अब ये सच कैसे बोल रहे हैं, इसका चेकअप कौन कराएगा? ये सुमित मग्गो जी केमिस्ट वाले कैसे तो पहले उठा कर दिखा। तो गाइस फाइनली दर्शन करके मैं बाहर जा रहा हूँ और आप नाश्ता पानी करेंगे कुछ, और चाहेंगे आप लोगों से कमेंट करके बताइए आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। इस व्लॉग का हम यहीं अंत कर रहे हैं। ये व्लॉग थोड़ा छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, और सबसे बड़ी बात है बालाजी महाराज की कृपा है इसके ऊपर। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी इस व्लॉग को हम यहीं अंत कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।